खुजली होने को तो ये बहुत ही छोटी समस्या है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यही खुजली महिलाओं के गुप्तांग में हो तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की योनि में होने वाली खुजली के बारे में, ये समस्या किस वजह से होने लगती है और यदि आपको खुजली हो रही हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं इसकी सावधानियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। योनि में खुजली होना इस बीमारी की वजह क्या है, महिलाएं ये नहीं जानती हैं। वास्तव में ये खुजली योनि के बाहरी हिस्से में होती है जिसे वल्वा कहते हैं। ये एक संक्रमक बीमारी होती है। प्रत्येक महिलाओं में योनि से स्राव होता रहता है जिसकी वजह से योनि और वल्वा में नमी बनी रहती है जिससे बैक्टीरिया और मृत कोशिकाएं खत्म होती रहती है। लेकिन कई बार अलग अलग कारणों की वजह से भी योनि की नमी खो जाती है जिससे योनि में सूखापन आ जाता है, इस वजह से भी योनि में संक्रमण हो जाता है। चलिए जान लेते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से योनि में संक्रमण ना हो। जननांगों को रोजाना साफ करना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं योनि को कुछ ज्यादा ही साफ करती हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बबल बात या बाथ टब में नहाने की बजाय आप नहाते समय शावर का यूज करें, क्योंकि बाथ टब का पानी योनि और उसके आसपास में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं जिसकी वजह से हानिकारक बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं जिसकी वजह से अभी संक्रमण होने लगता है या हो जाता है। योनि में होने वाली खुजली का घरेलू उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं का यूज भी ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी संक्रमण बढ़ सकता है। कई महिलाएं इन्फेक्शन से बचने के लिए बिना डॉक्टर की एडवाइस से दवाएं यूज करने लगती, इस वजह से भी योनि में खुजली एवं दर्द होने लगता है। सेक्स के दौरान बेंजोकाइन लुब्रिकेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस कारण से भी योनि में खुजली होने लगती है। गर्भनिरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, इस कारण से भी महिलाओं की योनि में सेक्स के दौरान खुजली होने लगती है। साफ सफाई रखने के लिए मैं कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप खुजली के इन्फेक्शन को काफी हद तक दूर कर सकती है। योनि वाले हिस्से को आप बेबी बाय परफ्यूम स्प्रे या अन्य किसी भी प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिल्कुल भी यूज ना करें। खुजली होने पर ज्यादा जोर से ना खुजलाएं क्योंकि ऐसा करने पर खुजली और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हमेशा ध्यान रखें नए गारमेंट्स पहनने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें। नायलॉन या अन्य किसी भी प्रकार के फैब्रिक वाले अंडर गारमेंट्स ना पहने, बल्कि इनकी अपेक्षा आप कॉटन से बने गारमेंट्स ही पहने। योनि में होने वाले इन्फेक्शन से केवल आप बीमारी नहीं होती हैं, बल्कि इसका असर आपके प्रोफेशनल कैरियर पर भी बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसलिए इस समस्या का बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और जो तरीके बताए गए हैं उनको अपनाएं। फिर भी यदि इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर जांच कराएं ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।